गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज जैसा आपको पता है अब की बार हमारे बोर्ड के एग्जाम है, पर गाइज बोर्ड के एग्जाम में अब की बार जो हमारा न्यू पैटर्न होने वाला है, और गाइज उसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय। गाइज जो हमारा हिंदी का पेपर है 16 तारीख को, उसमें हमें ये नहीं पता लगता है जीवन परिचय कौन से याद करके जाए। गाइज आपको बता दूँ पिछली बार जो हमारे जीवन परिचय थे वे 3-3 नंबर के हुआ करते थे। गाइज कितने जो हमारे जीवन परिचय थे वे हमारे 3 नंबर के हुआ करते थे, एक लेखक का और एक कवि का, यानी कि 3 नंबर का लेखक का और 3 नंबर का कवि का। तो जो हमारे टोटल नंबर थे वे कितने हुआ करते थे, 6 नंबर होते थे। बट अब की बार का जो हमारा जो हमारा जीवन परिचय होने वाला है वो पूरे 5 नंबर का होने वाला है, जिसमें गाइज क्या है हमारे 3 नंबर का इसका थियोरेटिकल लिखना है और 2 नंबर का हमें इसकी एक रचना लिखनी है। ये रचना हो गई और ये उसका हमें उसके सारा जीवन परिचय लिखना है। अब गाइज ये हमारे 10 नंबर को हो गए, क्योंकि हमारे 2 हैं तो टोटल जो हमारे जीवन परिचय कितने नंबर के होंगे, 10 नंबर के। तो गाइज ये 10 नंबर अब हमारे परसेंटेज को बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। अब गाइज कौन से जीवन परिचय याद करें, बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो गाइज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको लेखक और कवि, मैं आपको दोनों के जीवन परिचय बताने वाला हूँ कि आप कौन से के जीवन परिचय याद करें, ठीक है गाइज। तो आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच करो। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि जिससे हम अपने इस चैनल पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालते रहते हैं। और गाइज इससे पहले भी मैंने एक हिंदी का पेपर डाला है जिसमें बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को बनाकर 2023 का डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देखें, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइज देखो क्लास 10 2023 हिंदी महत्वपूर्ण जीवन परिचय। गाइज क्या है महत्वपूर्ण, यानी गाइज 3-3 जीवन परिचय होते हैं, कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट लेखक। गाइज सबसे पहले हमारे लेखक के जीवन परिचय आते हैं, तो लेखक के जीवन परिचय कौन कौन से है गाइज। नंबर फर्स्ट पे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद। गाइज कौन से हमारे राजेंद्र प्रसाद अब की बार हमारे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज ये पिछली बार भी पूछे गए थे और हमेशा एक जीवन परिचय हमारे इसमें रिपीट होता है, तो आपको ये याद करके जरूर जाना है, ठीक है गाइज। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब की बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइज दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये इनका भी जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये भी ट्रिक बताऊंगा लास्ट में कि अगर आपके कोई जीवन परिचय नहीं याद है और वो जीवन परिचय आ गया तो आप उसको कैसे लिख कर आएंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया गया आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी याद करके जाना है, क्योंकि ये भी लेखक की श्रेणी में आते हैं। नंबर 30 होता है जयशंकर प्रसाद, और जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइज इंपॉर्टेंट तो हमारे तीनों हैं, क्योंकि अब की बार इनमें से आपको एक मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लेखक में ये तीनों को याद कर कर जाए, ठीक है गाइज। अब बात रही कि आपको ये रहता है कि हम कौन कौन से जीवन परिचय याद अगर नहीं आया तो क्या करें। गाइज देखो कवि का जीवन परिचय देखने से पहले आप वो सुनो कि आप क्या करोगे। गाइज आप सभी जो हमारे लेखक होते हैं उनके सन क्या याद करके जाएं, एक तो उनका सन यानी कि सन, एक माता पिता और एक उनकी मृत्यु। गाइज अगर आप पे कोई जीवन परिचय नहीं आता और वो जीवन परिचय आ गया तो आपको क्या करना है, कोई से भी जीवन परिचय में सेम चाहे स्टोरी वही उतार दो जो आपकी याद है, पर सिर्फ उनकी जगह क्या चेंज कर दो, सन चेंज कर दो, क्योंकि हमारे एग्जाम में पास इतना टाइम नहीं होता है वो इतना डीपली जाए, ठीक है। तो ये ट्रिक है आप सबके जो जो साधन है, आप उनके सन याद करके चले जाएँ, ओनली सन, ठीक है, और चाहे पूरी स्टोरी किसी और की उतार दें, ठीक है। अब देखा जो हमारे कवि हैं, कवि में हमारे 3 हैं। गाइज नंबर फर्स्ट पर आते हैं हमारे सूरदास। नंबर फर्स्ट पर क्या आते हैं गाइज हमारे, देखो एक दास जरूर आता है, इन दोनों में से एक जरूर आना है। गाइज अगर आप गोस्वामी तुलसीदास, अगर आप गोस्वामी तुलसीदास का याद करके जाएं तो सूरदास का सन जरूर याद करके जाएं, क्योंकि अगर ये ना आया तो आप बिल्कुल सेम इसकी स्टोरी में इसके सन डाल के ब्लैक पेन से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सुमित्रा पंत। गाइज क्या है सुमित्रा पंत, यो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे, क्या है अब की बार इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर की दृष्टि से। और गाइज आपको मैं अपनी वीडियो में ये भी बताऊँ कि आपको पेपर में किस तरीके से लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क दे, क्योंकि गाइज हम सबसे बड़ी गलती लिखने में करते हैं। देखो गाइज नंबर लास्ट है हमारा महादेवी वर्मा, और ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। तो आपको जो जीवन परिचय बताया गाइज आप इन जीवन परिचय को बिल्कुल याद करके जाएं, क्योंकि आपको इन्हीं में से मिलने वाला है, ठीक है गाइज। और मैं अपने इस चैनल पर सभी चैनलों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसी टाइप से आपकी हिंदी गणित की सभी MCQ की भी सीरीज आने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ठीक है गाइज, थैंक यू।